शुक्रिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने अपने आकाओं को खुश रखने के लिए राहुल गांधी जी पर ऐसी ओछी टिप्पणी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए टिप्पणी को लेकर अब पूरे बिहार में इसका आक्रोश है। कांग्रेस लगातार इसका विरोध करते नजर आ रही है, जहां उन्होंने राहुल गांधी से उनके राजीव गांधी के पुत्र होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया था और इसके लिए सबूत भी मांगे थे। वहीं आज पटना में भी देखने को मिला कि पटना के कारगिल चौक पर प्रदेश युवा कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का पुतला दहन किया, साथ ही जमकर विरोध प्रदर्शन किए और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। आइए पहले जानते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने इस मुद्दे पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने अपने आकाओं को खुश रखने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी जी पर ऐसी ओछी टिप्पणी की है, देश का युवा वर्ग खास करके महिलाएं आक्रोशित है। हेमंत विश्व शर्मा जिस पद पर बने रहना चाहते हैं और चुनाव लड़कर जिन्हें पद पर बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहिए कि सोनिया गांधी वो महिला है जिन्होंने इस पद की बिना चिंता किए हुए उस पद को ठुकरा दिया था। और आज केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चुनाव पर से इस तरह की ओछी टिप्पणी, इसका बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस भर्त्सना करता है और चेतावनी देता है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी से कि आप तत्काल माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर महिलाओं के बारे में अगर आपकी ऐसी मानसिकता है तो आपको मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बने रखने का आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं। भाजपा को एक बेसर सरकार साधन हो रही है। पहले तो महिलाओं को पिटवाते हैं, उनका रेप बलात्कार करवाते हैं और उनको रातों रात ही जलवा देते हैं उनकी सरकार में। अब यहाँ से होने के बाद भी अब वो लोग कहते हैं, किसी के पुत्र से पूछते हैं, राहुल गांधी से पूछते हैं कि वो राजीव गांधी के पुत्र है कि नहीं, इसका क्या सबूत है? मतलब कि बेसरमी के हद को पार कर रहे हैं। ऐसा वो संसद में बोले हैं कि अपने रैली में बोले हैं वो कि राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे की बात का क्या सवाल है। लेकर आप लोग काफी आक्रोश काफी आक्रोश, ये महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत ही निंदनीय। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रदेश युवा कांग्रेस ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की बेइज्जती की गई, उन पर टिप्पणी की गई, इसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगा। लगातार बीजेपी जो है वो केवल और केवल देश को जो है इसी तरीके का बयान देते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसी अभद्र टिप्पणी है कि राहुल गांधी से ये सबूत मांगे जा रहे हैं कि वो राजीव गांधी के पुत्र हैं भी या नहीं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, जब उनसे पुलवामा कांड पे सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो पुलवामा कांड और सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांग रही है, तो क्या कभी राहुल गांधी से किसी ने भी ये सबूत मांगा कि वो राजीव गांधी के पुत्र हैं भी या नहीं। इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में आक्रोश है, कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।